हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल ऑफ क्रिएटिव माइंड बाय अंजना। ये जो आर्ट है स्पेशली मैंने किसी के रिक्वेस्ट पे बनाया है, तो मैं इसके बारे में आपको चलो ये बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले एक चार्ट पेपर लेना है और मैंने यहाँ पर रेड कलर का चार्ट पेपर लिया हुआ है और उसमें सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर स्प्रिंग जैसे ड्रॉ किया है। स्पेशली वो स्प्रिंग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था ड्रॉ करने पे, और ड्रॉ करने के बाद उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको टूथपिक लेना है या कोई भी पतली सी स्टिक लेके उसको रोल करना है अंदर की तरफ। रोल करने के बाद आपको एकदम टाइटली पकड़ना है, टाइटली होल्ड करना है, छूटना नहीं चाहिए। छूटने के बाद ये फटक से खुल जाता है। अगर आप टाइट होल्ड किए रहोगे तो बहुत अच्छे से ये बन के आता है। और ये जब आप इसको फेविकॉल लगाओगे, ये तो मेरी गलती से बहुत ज़्यादा फेविकॉल आ गया था, तो थोड़ा सा ही फेविकॉल यूज़ करना है। और जब आप इसको स्टिच करोगे तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा और ये खुलने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है रेड रोज़। और ऐसे ही हम और भी बहुत सारे रोज़ बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, इसको थोड़ी देर आपको काफ़ी देर तक होल्ड करके रखना है। 2 मिनट आप होल्ड करोगे तो आराम से इजीली चिपक जाता है ये, जैसे कि स्टिच हो गया है। स्टिच होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ये मूव हो रहा है क्योंकि ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये शेप ले लेता है अच्छे से। ऐसे ही मैंने और भी पैटल कट किए हुए हैं और इसमें मैंने एक कर्व वाला किया है और एक डिज़ाइन वाला किया हुआ है। उसमें मैंने छोटे छोटे बना के रखे हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब कैसे बनाना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है। और ये इसको रोल करना है जैसे हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। कभी भी आप ध्यान रखना है आपको कि इनसाइड ही रोल करना है, आउटसाइड नहीं करना है, क्योंकि जब आप इनसाइड रोल करते हो और एकदम टाइटली करना है, इनसाइड जब हम रोल करते हैं इसको, तो जो एकदम एंड होता है वो उसका बेस है, वहाँ पे हम लोग फेविकॉल लगाते हैं। और फेविकॉल लगाने के बाद हम लोग उसको अच्छे से स्टिच करते हैं। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना है। और ये जब पूरी अच्छी तरह से टाइटली रोल हो जाए तो आप उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो ओपन होने के लिए, फिर फेविकॉल लगा के आप स्टिच कर दो। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लाइट पिंक कलर का लिया हुआ है मैंने, बेबी पिंक बोला जाता है, उस पिंक बेबी पिंक कलर का मैंने रोज़ बनाया है, फ्लावर्स बनाया हुआ है। एक रोज़ है, एक फ्लावर है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के आप फ्लावर्स बना सकते हो अलग अलग कलर में। तो ऐसे ही मैंने 3 पैटर्न आपको दिखाए हैं, आप और भी पैटर्न बना सकते हो। इसकी कटिंग बहुत ही ईजी है, मैंने आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में दिखाया था। और बाकी मैंने जो कट करके रखा है वैसे ही आपको ड्रॉ करके कट करना है। बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए जब आप कट करोगे, नहीं तो आपको अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो आपका पैटर्न कट हो जाएगा जो आपने ड्रॉ किया हुआ है। इसको स्टिच करने के बाद थोड़ी देर हम सूखने के लिए रख देंगे जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया हुआ, ग्रीन कलर का चार्ट पेपर। उस चार्ट पेपर से हम लोग लीव बनाएंगे। और लीव कैसे बनाना है, पहले मैंने स्क्वायर लिया है छोटा सा और कट किया है, फिर इसको हम लोग ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। ट्रायंगल शेप में कट करने के बाद में आपको इसको जिगजैग में फोल्ड करना है। जिगजैग में तब तक फोल्ड करना है जब तक आप एंड तक इसको फोल्ड ना कर ले। एंड तक आपको इसको फोल्ड करना है। जब ये अच्छे से फोल्ड हो जाए तो आपको जो आउटसाइड जो बड़ा साइड है आपको वहाँ पे फेविकॉल लगाना है। इन उसको फोल्ड करके इक्वली वहाँ पे हम लोग फेविकॉल लगाएंगे और उसको स्टिच कर देंगे। फेविकॉल लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, मैंने इतना ज़्यादा इसमें यूज़ करके नहीं दिखाया कि पत्ती को कहाँ यूज़ करना है। आप जैसे बनाएंगे वैसे आपको आइडियाज़ आते जाएगी।
और जब हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आइडियाज़ आते जाते हैं। तो आप जब भी कोई भी एक्टिविटीज़ करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको आइडियाज़ भी आने लगेंगे, तो बहुत इजी हो जाता है करने के लिए। और ये सब बन के रेडी हो गया है। वैसे मैं एक और लीफ बनाऊंगी दूसरे कट पेपर का, उसको भी सेम पैटर्न में करना है। देखिए जैसे कट किया तो वो कैसे क्रश हो जाता है पेपर प्रॉपर नहीं होता, तो उसको पहले आपको एकदम अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है पेपर को, फिर उसके बाद में आपको जिगजैग करना है। जिगजैग करने के बाद आप उसको स्टिच कर देना। यहाँ पे हमने देखा कि फ्लावर्स कितना इजी है बनाना, और हम ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं बना के, स्पेशल डेज पे देना, मतलब किसी को गिफ्ट करना। आजकल रोज़ भी काफ़ी महंगे आते हैं, तो हैंडमेड जो बना के हम जब किसी को गिफ्ट करते हैं, हैंडमेड की वैल्यू एक अलग ही होती है। तो जब आप एक हैंडमेड क्रिएटिविटी क्राफ्ट बना के देते हो किसी को एक्टिविटीज़ करके, तो वो इतना खुश हो जाते हैं, वो लोग इतना मतलब हैप्पी हो जाते हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए इतना टाइम निकाल के और मुझे स्पेशली गिफ्ट किया है, तो वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है। इसके बाद में हम जो रोज़ है, मैं आपको जूम में दिखाऊंगी कि कैसा दिखाई दे रहा है, ये इतना खूबसूरत लग रहा है। आप इसके अंदर चाहिए तो पैरल्स भी डाल सकते हैं, मोती भी डाल सकते हैं, वाइट कलर का छोटा सा, तो और खूबसूरत दिखेगा। फिर इसके बाद हम इसको बास्केट के अंदर हैंग किया हुआ है, जैसे कि मैं किसी को हम गिफ्ट करना है तो आप बास्केट में ऐसे डाल के इसके अंदर आप वो छोटी सी ग्रीटिंग्स बना के ऐड कर सकते हैं और विश कर सकते हैं। और इसको और अच्छा बनाने के लिए आप इसमें हल्का सा परफ्यूम भी स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे ये काफ़ी स्मेली और काफ़ी अट्रैक्टिव हो। आप ऐसे प्लांट्स के पास भी डेकोर कर सकते हो। थैंक यू।